आदाब मिसेस हुस्नी, क्या लेना चाहेंगी? मुझे पहचान तो लिया होगा। हाँ? टीवी में देखा होगा। नहीं, सच में नहीं। हाँ? क्या सच में नहीं? ट्राड, वो बेहद मशहूर फंदेबाज। कौन? तुमने वाकई मुझे नहीं पहचाना? टीवी पर छोटे बड़े जानवरों को फंसाने वाला, जानवरों से कुश्ती लड़ने वाला। नहीं। तुमने टीवी पर देखा होगा, मुझे पता करने दो, यही कहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये काम नहीं करेगा। खलील, कहो क्या बात है? चलाओ इसे। वाकई? फिर से? हाँ, इसे फिर से चलाओ। सहारा की रेतीली जमीन से और पैसिफिक की गहराई तक हमारा फंदेबाज ट्रेड, जो मौत को देता है, चकमा और बहुत ही मशहूर है। देखो। देखो, रुको जरा। जब तक ये सब वर्ल्ड नॉरिक्स को काबू करने की कोशिश करते हुए शर्म के मारे गिर नहीं जाते, तब तक ये नहीं मानेंगे। ये वो वीडियो नहीं है जो मुझे इसे दिखाना था, खलील। तुम जोर से नहीं हंसते तो। अगर मैंने ऑरिक्स को एक और शॉट मारा होता तो, अगर अब वो यही होता, अगर वो यहाँ होता। देखो देखो। अरे नहीं, ऑरिक्स, मैंने ऐसा रंग कभी नहीं देखा। चलो इसकी नस्ल पता करते हैं। इस ऑरिक्स की नस्ल क्या है? ज्यादा दूर नहीं होगा। मंसूर, तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। ठीक है, ठीक है। मतलब मुझे कैसे पता होता कि तस्वीर सब पर जाहिर हो जाएगी? क्या? अब पूरी दुनिया इस मासूम गोल्डन ऑरिक्स को देखने के लिए आएगी। ये खत्म हो जाएंगे और इसकी गुनहगार मैं हूँ। शम्मा, रुको। और वो नमूना फंदेबाज ट्रेड कहता है, वो आकर इस मासूम जानवर से कुश्ती करेगा। कौन? तो हमें किसी भी तरह इस ऑरिक्स को पकड़कर किसी महफूज जगह पर रखना होगा। अरे बैठे मत रहो, कुछ कहो भी। हम उसे कहाँ तलाश करेंगे? आसान है, वो खाता पीता तो जरूर होगा ना। हाँ बढ़िया, हम उसे पकड़ेंगे कैसे? कुछी कुछी। तो क्या ये सच है? वो अभी भी जिंदा है? ट्रैक्टर तैयार करो। मेरी बात सुन रहे हो ना खलील? तार को निकाल दो खलील, वापस आओ, यहाँ आओ खलील, खलील। हाँ? तार को निकाल दो खलील। वो देखो, वो शायद फंस गया। पता नहीं, वो तो मुझे महफूज लगता है। दोस्तों, हमें उसे डराना नहीं, ट्रैक्टर्स को यहीं छोड़ देते हैं। क्या मसला क्या है? क्या इतनी चढ़ाई भी नहीं कर सकते हो? हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें तुम्हारी फिक्र थी। पानी पानी। गर्मी, पानी पानी, मुझे पानी चाहिए। मेरे पास जूस है। अंगूर? हाँ। सेब का? ठीक है। चलो अब तैयार हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तैयार हूँ। तो फिर चलो। हाँ यहीं रहो, मैं ट्रैक्टर लेकर आता हूँ। तैयार? ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है। बैग में टेप्स कहाँ हैं? वो उसी की जेब में है। और बैटरीज? वो उसी जगह पर है। क्या वो चार्ज हैं? हाँ, तुम शुरू करोगे भी या नहीं? दरअसल मुझे रोशनी पसंद नहीं। चलो भी। ओके ओके, एक्शन। सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम? तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैं गोल्डन ऑरिक्स से कुश्ती लड़ने वाला हूँ। इस पजामे में? ये पजामा नहीं है। मुझे तो पजामा ही लगता है। ये ऐसे काम के लिए अच्छे हैं, ये तुम कभी नहीं समझोगी। पजामा, पजामा। हाँ बिल्कुल पजामा, पजामा, पजामा। हाँ मैंने सोचा वो भी पजामा थे। पजामा हो या नहीं, तुम कैमरा मेरे जानिब करो ताकि मैं इस गोल्डन ऑरिक्स से कुश्ती लड़ सकूं। दुनिया भर के लोगों की दिलजोई के लिए मुझे करना होगा। मुझे ये कुछ छोटा मालूम होता है। पता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये गोल्डन ऑरिक्स खत्म होने को है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उसकी माँ है और वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रही। हाँ? तो वो तुम ही हो? मालिक फिक्र मत करो, फिक्र मत करो मालिक, सब टेप हुआ है। सच में? मुझे दिखाओ। भाड़ में जाए टेप। मैं उसे तलाश करूंगा और बदला लूंगा, चाहे तमाम दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। दरअसल अगर तुम गोल्डन ऑरिक्स को टीवी पर डालोगे तो तुम इसकी तमाम नस्ल को एक बार फिर खतरे में डालोगे, और इसे खत्म करने से बेहतर है कि हम सब मिलकर इसकी हिफाजत करें। और ये जिम्मेदारी है हम सब की। याद रखो, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन ये सब खत्म हो जाएंगे। इसके मुतालिक एक दिलचस्प मजमून है वर्ल्ड नेचर वेबसाइट पर, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो बताइए, ईमेल क्या है? अब ये बताओ ट्रेड, इस रेगिस्तान में इतनी भाग दौड़ करने के बाद तुम्हें क्या हासिल हुआ? मैं कह सकता हूँ कि सभी गोल्डन ऑरिक्स खत्म हो गए हैं। इंटरनेट पर उसकी तस्वीर महज झूठ है। यकीनन गोल्डन ऑरिक्स अब महज एक अफसाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शम्मा, तुम्हारा भेजा मजमून बेशक बेहतरीन होगा। हाँ, बेहतरीन मजमून, लेकिन उसके साथ एक और मजमून था जिसने उसकी जहनियत को बदल दिया होगा। एक और ये वीडियो जो फोन से उतारी थी।